अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरा चैनल माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज मैं सॉल्व करने वाला हूं फिजिक्स का जो नाइन्थ क्लास का पेपर है उसका सेक्शन ए। इंशाल्लाह ताला इसके सेक्शन बी भी सॉल्व करेंगे, सी भी सॉल्व करेंगे, इसी तरह बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं टेंथ क्लास के, नाइन्थ क्लास के सब सब्जेक्ट्स की आपको मेरे चैनल पर वीडियो सॉल्व मिलेंगी, ठीक है। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि बच्चे जो आजकल कोविड 19 की वजह से घर में बैठे हैं कोरोना की वजह से, उनको भी उनकी हेल्प हो सके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑल द यूनिवर्स फॉलोज द लॉज ऑफ नेचर, फिजिक्स, न्यूटन, गैलीलियो। गैलीलियो और न्यूटन एक साइंसदानों के नाम है, फिजिक्स एक साइंस की ब्रांच है, तो डेफिनेटली इसका आंसर है नेचर। सेकेंड, द लीस्ट काउंट ऑफ द माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर और 0.001 मिलीमीटर। इसका आंसर है 0.01 मिलीमीटर। थर्ड, द व्हील ऑफ अ मूविंग कार एंड द ब्लेड ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रिक फैन आर द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन एक ही होती हैं जो स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, वाइब्रेटरी मोशन टू एंड फ्रो होती है, तो इसका आंसर है रोटेटरी मोशन जो एक्सिस की दीर्घवृत्त घूमती है। फोर, द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम, मास की यूनिट है, वाट पावर की यूनिट है, न्यूटन, इसकी आंसर है जूल वर्क की यूनिट है। फोर, इफ एफ इज इक्वल टू 4 न्यूटन, ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन द एम। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे, ये ऊपर देखिए मैंने लीस्ट काउंट का भी इधर सॉल्व कर दिया था, उसको आप देख लीजिएगा। तो इसका फार्मूला है एफ इजिकल टू एम ए, एम एम ने फाइंड आउट करना है एफ ओवर ए, तो एफ हमारे पास 4 है, 2 जो है वो ए जो है वो 2 है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 kg हमारा आंसर आ जाएगा। नंबर 6, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, टॉर्क, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन और मोमेंटम। टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व हो रही है, एक्सेलरेशन में भी डायरेक्शन इन्वॉल्व हो रही है, मोमेंटम में भी डायरेक्शन इन्वॉल्व हो रही है, तो डिस्टेंस जो दो पॉइंट के दरमियान में फासला होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। 7, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3, इसका भी जो फार्मूला है वो भी पता होना चाहिए। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपन पाए, पाए की वैल्यू 3.4 होती है, उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 57.38। द सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट दैट सिग्मा पी, सिग्मा टी और सिग्मा एफ। तो सिग्मा टॉर्क जो है वो सेकेंड कंडीशन है, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0 जो है ये फर्स्ट कंडीशन है। 9, विच इज़ द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 800 ग्राम। ये ग्राम में है, इसको हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किस में कन्वर्ट करना है, के जी में कन्वर्ट करना है। W इज इक्वल टू एम जी, एम इज इक्वल टू 800 ग्राम, 800 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 आ जाएगा, 0.8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो W इज इक्वल टू 8 न्यूटन हमारा आंसर आ गया। 10, एन ऑब्जेक्ट अपीयर लाइटर इन वाटर बिकॉज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो वो क्या है, प्रेशर, बायोंसी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। बायोंसी, बायोंसी जो है वो अप थ्रस्ट, ये इसका आंसर है। 11, अ 25 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन एक्स एक्सिस, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई कंपोनेंट। तो जब एक्स एक्सिस पे सारी फोर्स लग रही है तो वाई जो एक्सिस है उसकी 0 न्यूटन होगी। द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ इज, ये याद करनी पड़ेगी, 6.38 × 10⁻⁶ मीटर। 13, इफ एफ इजिकल टू 100 न्यूटन, वी इज इक्वल टू 2.5, देन द पावर विल बी, पावर का फार्मूला है पी इज इक्वल टू एफ वी, पी इज इक्वल टू एफ वी, एफ हमारे पास 2.5 है, वी हमारे पास 100 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पी इज इक्वल टू 250 बार आंसर आ जाएगा। 14, अ बॉडी इज सेट टू बी द इन मोशन इफ चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, मोशन की डेफिनेशन है सीधी सीधी। 15, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट एस टी पी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, वो कितना होता है, 373 K होता है। तो स्टूडेंट्स ये सॉल्व हो गया, ये अगर सेंटीग्रेड में हो तो 100 सेंटीग्रेड पे होता है तो उसको 273 उसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 373। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम टेंथ क्लास का फिजिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे और इसी तरह मैथ, केमिस्ट्री, सारे जो सब्जेक्ट हैं, बायो, कंप्यूटर, सारे आपको मेरे चैनल पर सॉल्व मिलेंगे। तो अगर आपको पसंद आई तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।